हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है 15 तारीख और भैया दूज है, और जब तक ये वीडियो आएगा तब तक भैया दूज था 15 तारीख को। मैं रात को ब्लॉग शूट कर रही, मार्केट गई थी, कहाँ गए थे, लाजपत नगर गए थे। तो लाजपत नगर से बच्चों के जो ड्रेसेस वगैरह खरीद के लाए थे, आप लोग कल वाले वीडियो में दिखाए थे, तो मैंने सोचा कुछ लोग को पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, अगर बच्चों को ठंडी से कुछ भी अगर आपको कपड़े वगैरह खरीदना है तो मैं खरीद कर लाई थी, आप लोग जाकर दे सकते हैं। आप लोग लाजपत नगर में जाएंगे बहुत आसानी में, ज़्यादा महंगे नहीं, जितना आपका बजट होगा उस हिसाब से मिल जाते हैं कपड़े। अगर उससे भी सस्ता लेना है तो जब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर भी मिल जाते हैं, सेंट्रल मार्केट मदनगिर। तो मैं मार्केट गई थी, शॉपिंग वॉपिंग करके आए थे, फिर उसके बाद घर पर आए, तुरंत मैंने दिए बाती किए, और उसके बाद फिर दिए बाती करने के बाद मैं सब्जी मंडी गई थी, सब्जी मार्केट गए थे या मंडी बोलते हैं, तो मटर वगैरह खरीद के लाए थे और बहुत सारी सब्जी खरीद के लाए जो मैंने वीडियो नहीं शूट किया। तो शाम का टाइम है, घड़ी में देखिए वहाँ 8 बज रहे हैं और मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो मैं बनाऊँगी, ठंडी आ गई है, मटर का निमोना। आप लोग कहते हैं ना बंदा जी ठंडी आ गई निमोना, तो एक मिनट बैक कैमरा करके बात करते। तो ठंडी आ गई है ना, मटर का निमोना बनाएंगे, पोहा बनाएंगे, और मेथी लाए हैं, मूली भी लाए हैं, और बहुत सारी सब्जी लेकर आए हैं, जो खाते वही लेकर आए हैं। तो सब लोग किट्टो लोग आए थे, चले भी गए, और साथ में हम लोग शॉपिंग कर लिए हैं, तो सारा सामान हुआ है। और किट्टो आई थी, ये मुझे जो गिफ्ट वगैरह देकर गई हुई है, ये भी तो गिफ्ट है। फिर उसके बाद इसको खोलकर दिखाएंगे, इसमें से कुछ बच्चे लोग निकाल कर खा पी लिए हैं, और यहाँ जो माला वाला लटकाए थे उसको सब ये सेलो टेप से चिपकाए थे, सब निकल के गिर रहा था। तो पतिदेव से मोटा वाला टेप मंगाएंगे जो हम अपना कादे से फिर से लगाएंगे, तो दीवारों पर टंगवा देंगे, और जो इधर उधर झालर है उसको सही करा देंगे। तो इस रूम में मटर छील रहे हैं, बनाएंगे निमोना। ये कम्बल देखिए नया वाला निकाले थे कब। चलिए खाना पीना बना लेते हैं, फिर हम मिलते हैं। तो बर्दाश्त नहीं रह गया, तो फिर किट्टू लोग आए थे, दिवाली का गिफ्ट देकर गए, बहुत अच्छा लगा। छोटी बहन है, फिर भी हम लोग का बहुत ध्यान रखती है, केयर करती हैं, एक तरफ से देवरानी एक तरफ से बहन है, तो दोनों से लोग का शादी एक ही घर में हुआ है। मैंने उनको रिटर्न में कुछ नहीं दिया है अभी, क्योंकि दीपावली सब देते हैं, आप मुझे भी देना चाहिए, मैं बड़ी हूँ तो मैंने कुछ दिया नहीं है। लेकिन हम अभी 21 तारीख को कथा सुनेंगी, तो मैं जब जाऊंगी तो मैं लेकर जाऊंगी अपने तरह से, मैं भी उनके घर लेकर जाऊंगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो देखिए ये सोनाची ने सबके लिए दिए थे, इसमें ये सारे मतलब कि टोकरी है, टोकरी में सब पैक है, और ये रहा, इसमें से भी सोनाची कुछ निकाल कर खाई हो ना। हाँ, टकाटक एक बड़ा बड़ा कोल्ड ड्रिंक भी था थोड़ा सा, वो माजा ना। हाँ वो तो फ्रिज में है, और एक वो लाई थी सबके लिए भी, एक था अलग से किसमें। हाँ दो था, एक और वो फ्रूट वाला जो हमने कल पी लिया था, बड़ा सा बॉक्स था उसमें फ्रूट वाला सारे जूस थे, लेकिन बहुत टेस्टी था, जो कि सब कल ही खोल कर पी लिए थे। और ये हल्दीराम का मिठाई का डब्बा है, देखिए कितना अच्छा पैकिंग हुआ है। तो यहाँ मैं इसको ओपन करती हूँ, तो देखिये सोन पापड़ी है, काजू ये मिठाई, ये आलू भुजिया है, ये मिक्सचर है, मिक्सचर, और ये है रसगुल्ले। तो थैंक यू किट्टो अमित, इतने सारे गिफ्ट देने के लिए, कोई ना, अच्छा लगा मुझे घर आए मुझे लेकर, मेरे इतना सारा सामान लेकर, और अच्छा लगता है, मुझे भी देना चाहिए था रिटर्न में, लेकिन मैंने सोचा मैं भी लेकर जाऊंगी उनके घर, जरूरी नहीं है कि अरे मैं यही दे देती, मैं भी जाऊंगी, लोगों को अच्छा लगेगा, उनके घर में जाएंगे और लेकर भी, तो देखते हैं हम भी कुछ सोचेंगे देने के लिए क्या दे सकते हैं। वैसे तो उनके पास बहुत सारा गिफ्ट मिला हुआ है किट्टों को, लेकिन दिवाली पर लोग यही सब देते हैं एक दूसरे को, ये टोकरी पैक करवा लो, मीठा पैक करवा लो, एक कुछ ऐसा हम देंगे जो उनको मतलब कि काम का हो ना, यूज भी हो सके, बहुत कुछ होता है, लेकिन मिठाई के डब्बे तो भाई दिया जाता है और क्या। तो चलिए बने रही ब्लॉग के अंदर, यहाँ अपना काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, तो सुबह का टाइम हो गया है, और पूजा पाठ करने के बाद वंदना जी लग गई हैं किचन में, और किचन में क्या बना रही हैं दिखाते हैं आप सबको, आज क्या है नया कि वही पुराना है। नया क्या है, ठंडी का सीजन, अच्छी अच्छी सब्जियां आई हैं,
रात को तो निमोना चावल बनाए थे, खाए थे, कैसा बना था? अच्छा बना, बचा होगा ना अभी? थोड़ा सा बचा है कटोरी में। तो यहाँ मैं सुबह सारा काम होने के बाद, पूजा पाठ होने के बाद मैं आ गई किचन में, और फिर यहाँ एक तरफ चाय चढ़ा दिया है, और देख सकते हैं यहाँ पर हमने मेथी का पराठा बना रही हैं। मेथी का पराठा इसमें है, इसमें डाले हैं जीरा, अजवाइन, नमक, हींग, लहसुन, मिर्चा डालकर, और मेथी पतला पतला काट कर रात को ही काट लिया था, और फिर इसको आटे में गूंथेंगे मेथी का पराठा, और चाय रहेगा नाश्ते में। तो कम कितने खाने में क्या रहेगा, और तो छोटा सा दिन है, नाश्ता करते करते ही 12 बज जा रहा है ऊपर से। एक दो लोगों ने कमेंट किया था कि वंदना जी आप जब निमोना बनाना तो उसकी पूरी रेसिपी दिखाना, कि हमारा भी देख के खाने का मन करता है लेकिन हमें पता नहीं है कैसे बनता है वो, लेकिन आपने दिखाया लेकिन पूरी रेसिपी नहीं दिखाई। बचा हुआ है निमोना, तो ये निमोना कल बना हुआ था और इतना बचा हुआ है। सोनाक्षी ने भी खाया, मैंने भी खाया, सब लोगों ने खाया, सबका फेवरेट है निमोना हमारे घर में। निमोना तो सबका फेवरेट है। यहाँ पर अदरक डाल देंगे, अदरक भी डाल दो पराठा में, डाल दो अच्छा लगता है। चलिए और चाय हमारा बन रहा है, इधर हम आटा, तो गर्मा गर्म चाय और मेथी का पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो बन जाएगा, फिर एक बार आपको दिखाएंगे, तब तक बने रहिए ब्लॉग पर। चलो आ जाओ बाहर। A few moments later. तो गाइस शाम का टाइम है, सारा काम धाम करने के बाद, अरे सोनाक्षी पूजा कर रही थी, मुझे ठंड लग रही थी, मैं फिर कहीं मम्मी पूजा कर लो, तो ये हम कभी कभी तुम भी पूजा कर लिया करो। शाम का पूजा वही की है, अब मुझे ठंड लगी लेकिन मैं लेटी हूँ। आज गुरु जी कथा में शिव महापुराण की कथा चल रहा है, जिसमें लक्ष्मी जी का कथा चल रहा है, और उसमें एक दो चीज़ इतनी अच्छी अच्छी बातें बताए हैं, तो मैं सोची थोड़ा बहुत आप लोग को भी शेयर कर देती हूँ। उसमें बताए थे कि लक्ष्मी जी को लोग कहते हैं प्रिय, अरे भोग क्या होता है, तो बहुत सारे लोग खीर बतासे, खीर वगैरह हो गया, बहुत सारे ये लोग चढ़ाते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी की असली भोग होता है शहद। शहद कह रहे हैं कि मतलब कि देव को, महादेव को शहद प्रिय है, और लक्ष्मी जी को, जिसको महालक्ष्मी कहते हैं, महादेव कहते हैं, इन दोनों को मतलब कि शहद बहुत प्रसन्न है। तो बोले थे कि दीपावली के दिन या देव दीपावली जब आता है, पान के पत्ते में एक बूंद शहद लगाकर लक्ष्मी जी को चढ़ाइए, और या किसी पत्ते या किसी फूल पे एक बूंद शहद लगाकर शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, तो एक साल के अंदर आपको इतना भगवान बरकत देते हैं, मतलब कि हर चीज़ अच्छा होता है। तो देखिए शहद तो मैं तो जानती हूँ, भगवान भोलेनाथ को चढ़ा जाता है, लेकिन लक्ष्मी जी को नहीं जानते थे, तो कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा, बस यही हम इसलिए शिव महापुराण कथा सुनते हैं, कुछ अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं और अच्छा लगता है, जानकारियाँ मिलती है। तो दीपावली के दिन हमने लक्ष्मी जी को तो शहद तो अर्पित किया नहीं था, इसलिए देव दीपावली पर जो नहीं किए, प्लीज़ आप लोग भी देव दीपावली पर माता महालक्ष्मी जी को पान के पत्ते पे एक बूंद शहद लगाकर उनको ज़रूर भोग लगाएं, और महादेव को भी किसी पुष्प पत्ते पे लगाकर उनकी शिवलिंग पे एक बूंद शहद ज़रूर लगाएं। तो यही सब जानकारियाँ मिलती, बहुत अच्छा लगता है। और गाइस जानते हैं मुझे ना गर्म कपड़े निकालना है बेड के अंदर से, और गर्मी वाले कपड़े रखना है, ठंड कपड़े निकालना है, गर्मी वाले कपड़े रखना है, तो बहुत सारा काम है, और शादी की भी पैकिंग वगैरह करना है। मेरा बड़ा वाला बैग दिखा दो, तार के ऊपर रखा हुआ है, दिखाओ ठीक से, एक झलक दिखाई बस, वहाँ देखो रखा हुआ है, अभी उसको उतारना है, सारे कपड़े फोल्ड करना है, बेड में से निकालना है, जो कि हम लोग को शादी में भी जाना है, टाइम बिल्कुल नहीं है, 1 वीक का टाइम है। हाँ, और इसमें क्या बताऊँ, बस यही सब बातें हैं जो दिल की बातें शेयर कर दिए। आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।